ये हम जिक्र कर रहे हैं मुख्तल रिसेप्टर्स का इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर तो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर पहला अब जो रिसेप्टर है वो बैरोप्टर है वैसे तो दे इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट जैसे हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर लिस्ट को देखा लेकिन यहाँ पे अब हम वन बाय वन जिक्र करेंगे तो बैरो रिसेप्शन ये बैरो रिसेप्शन क्या है कि दैर इज़ ये ऐसी रिसेप्शन है जो कि प्रेशर के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स हो एनिमल्स का ख़ास तौर पर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर तो ए बैरो रिसेप्टर ये तो बैरोमीटर होता है जो कि जिसमें आमतौर पर हम एयर प्रेशर या एटमोस्फ्रिक प्रेशर को मैर करते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम चेक करके आ, इसके इस्तेमाल से हमें मालूम होता है कि वेदर कैसा होगा आज का वेदर कैसा होगा तो ए बैरो इज एं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मई एयर प्रेशर तो एयर प्रेशर एक इंडिकेटर्स हैं कि नेक्स्ट मौसम नेक्स्ट वेदर कैसा होगा तो इसी तरह एनिमल जो है इनवर्टिव जो है उन्हें भी पता चल जाता है प्रेशर की इंक्रीज या डिक्रीज होने से और वो फिर अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं न टेंडेंसी कैन फोरकास्ट शॉर्ट टर्म चेंजेस इन दैदर ये तो हो गया बैरोमीटर के साथ द हैव नॉट आइडेंटिफाइड एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर बैरो रिसेप्शन इन तो अब तक हालांकि इतनी रिसर्च के बावजूद एनिमल्स सॉरी uh, जो जोलॉजिस्ट हैं जो साइंटिस्ट हैं दे हैव नॉट बिन एबल टू आइडेंटिफाई कि एनिमल के अंदर कौन सा वो ऑर्गन है विच इज मेनली कंसर्न रिसेप्शन लेकिन एनिमल अगर प्रेशर ज्यादा हो कम हो वो एनिमल बिहेव करते हैं लेकिन कोई ऐसा स्ट्रक्चर वो आइडेंटिफाई नहीं हो सका तो ये एक मिस्ट्री है इट इज़ मिस्ट्री कि विच विच विच, विच, विच एक्ट है बैरोमीटर लेकिन इसके बावजूद इसके बावजूद जैसे जिक्र किया कि नेवर दिस्पॉन्स टू प्रेशर चेंजेस आइडेंटिफाइड इन ओशन डिवेलपिंग इन ओशन डिवेलिंग कॉपीपॉड क्रस्टेशन दिनोफोर्स जैलीफिश मेडूसा एंड स्कूड ये तमाम वो एनिमल्स हैं जो कि एक्वेटिक है लेकिन इन्हें पता चल जाता है कि प्रेशर पानी का ज्यादा है कम है जैसे प्रेशर कम जैसे जैसे ये एनिमल मूव डाउन करते हैं तो जाहिर है प्रेशर बढ़ जाता है और फिर उसी तरीके से उसके रिस्पॉन्स पे ये एनिमल्स देन द स्टार्ट मूविंग अप और इसी तरह अगर प्रेशर कम है तो देन दे फील के देन दे 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 विल फील एंड बिहेव बिहेव इन दिस फॉर्म के दे विल मूव डाउन दे विल सिंक डाउन सो तो दिज आर डिफरेंट एनिमल्स विच आर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स दे आर सम एनिमल्स दे आर दे आर मेरीन एनिमल्स तो ये उसी तरह फिर ये बिहेव करते हैं नाउ सम क्रिस्टेशंस दैट लिव बिटवीन द टाइड्स एक टाइड है क्योंकि समंदरों के ऊपर ये टाइड्स तो आती रहती हैं और इनके दरमियान भी प्रेशर को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उस उस अकॉर्डिंगली फिर बिहेव करते हैं और प्रेशर चेंजेस से अब ये एंड कोर्डिनेट विद द डेली टाइडल मूवमेंट्स क्योंकि ये समंदरों में ये, ये टाइड्स हैं ये बड़े ख़ास अंदाज से इसकी में uh, इसकी भी एक्टिविटी uh, होती है एंड दिस इज़ और ड्यू टू लूनर अट्रैक्शन भी होती है और uh, शाम के वक़्त सुबह के वक़्त ये मूवमेंट्स इनका प्रेशर बिटवीन द टू वेव्स वो वेरी करती रहती हैं और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उसी तरह दे विल बिहेव डिफरेंट अभी दिस इज दिस इज द इनफैक्ट दिस अ बैरोमीटर ये बैरोमीटर है जो कि जो कि यूज़ किया जाता है टू टू मई द एयर प्रेशर और ये मुख्तल ऐसे जो मौसमियाती दफातर हैं उनके अंदर ये पाया जाता है और वही हमें बताते हैं फोरकास्ट करते हैं कि आज का वेदर कैसे होगा और इसी तरह ये एनिमल्स जो हैं वो भी बता उनसे भी पता चल जाता है उनसे भी पता हम कर सकते हैं कि ये ये समंदरों में एक्टिविटी कैसी होगी लव दीज आर द डिफरेंट एनिमल्स विच आर जैसे हम दीज आर द जेलीफिश और uh, ये जेलीफिशज़ जो हैं ये बी दे आर वेरी सेंसिटिव टू द प्रेशर ये एनिमल ये पानी में रहती हैं और ये डीप रह जाती हैं और सरफेस भी ऊपर ऊपर आ जाती हैं और जब बहुत सरफेस के ऊपर जाती हैं तो फिर ये दे टेंड टू मूव डाउन और इट इज़ आल्सो रिलेटेड विद डेली एक्टिविटीज़ और इसी तरह दीज थी आर दी एनिमल दीज आर ऑल कॉपी पॉड्स और ये बी इनके अंदर भी रिसेप्टर्स हैं लेकिन कहाँ छुपे हुए हैं वो किस फॉर्म में हैं हम अभी तक जो जोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो हैं अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि वो एक वो ऑर्गन वो स्ट्रक्चर वो सेल्स वो आइडेंटिफाई कर सके जो कि बैरोमीटर के तौर पे काम करते हैं और इसी key response cube they show the different behaviors. So this is all about the baroreceptors which are present in invertebrates.